नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के फरवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे, ये सेकंड पेपर है उसका। 19 फरवरी 2017 को ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो है इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर के प्रीवियस पेपर है। इससे पहले हमने 19 फरवरी 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड पेपर है। चलिए शुरुआत करेंगे प्रश्नों से। तो प्रश्न संख्या एक है कि निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन की पारद्युतिक शक्ति यानी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। वैसे आपको बता दें कि किसी इंसुलेशन की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी एक अचालक में अचालक सहन सीमा जो होती है उसको डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और ये किलोवोल्ट प्रति एमएम में मापी जाती है, यानी केवी पर एमएम इसकी यूनिट होती है। लेकिन ये कौन सी लिमिट को दर्शाता है आपसे ये पूछा गया है। तो वह वोल्टेज जिस पर एक अचालक का ब्रेकडाउन हो जाता हो और उसमें से धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता हो वो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा ए, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वैसे ये जो बी ऑप्शन आपको दिया गया है, शीर्ष प्रतिलोम वोल्टेज, इसको इंग्लिश में हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं और शॉर्ट में अपन इसको PIV लिखते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो PIV होती है ये डायोड की रेटिंग होती है। रिवर्स बायस में डायोड जिस पर धारा प्रवाह प्रारंभ कर देता है वो PIV कहलाती है, और बाधित वोल्टेज यानी जो वोल्टेज रोकी गई थी तो ये वो वोल्टेज होती है जो अर्धचालक धारा प्रवाह के लिए कुछ समय तक विरोध करते हैं। और जो डी ऑप्शन दिया गया है शीर्ष वोल्टेज का, पीक वोल्टेज इसको अपन कहते हैं, AC में उच्चतम मान को कहते हैं। तो इंसुलेशन की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किस मोटर को न्यूनतम रख रखाव की आवश्यकता होगी, यानी इसमें से ऐसी कौन सी मोटर है जिसको सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती हो सबसे ज़्यादा। तो वो हमारी स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है, यानी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर जो है इसको सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होगी, सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसको जरूरत क्यों पड़ी है। अगर बाकी हम ऑप्शन देखें तो दो नंबर ऑप्शन दिया गया था DC संट मोटर। तो आपको बता दें कि संट मोटर में हम कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगाते हैं, तो उस कार्बन ब्रश को समय समय पर हमें देखभाल करना जरूरी था। मोटर में बेरिंग होता है उनकी भी जरूरत थी, तो बेरिंग तो स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर में भी थे, लेकिन स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर में कोई स्लिप रिंग या कम्यूटेटर नहीं था, इसलिए गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर केज मोटर को सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत थी। ठीक इसी प्रकार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो इसमें स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश होते हैं, और DC सीरीज मोटर में कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, यानी इनमें बेरिंग के साथ साथ या तो स्लिप रिंग या कार्बन ब्रश आ गया, सॉरी कम्यूटेटर, तो उसको एक अलग अनुरक्षण की जरूरत पड़ी, जबकि स्क्रूल केज में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर को सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है कि अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है। तो हम सब जानते हैं कि एक परिपथ में रेजोनेंस की स्थिति तब होती है जब XL और XC का मान एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो तो उसको हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं या रेजोनेंस परिपथ कहते हैं। तो उस समय XL का मान XC के बराबर होगा, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा संधारित्रों यानी कैपेसिटर के प्रतिघात के बराबर। अगला प्रश्न है कि 2 किलोवाट के और 200 वोल्ट सप्लाई वाले एक DC जनरेटर में करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा, यानी आपसे लोड करंट की गणना पूछी गई है। तो जनरेटर में भार धारा ज्ञात करने के लिए यानी IL कैलकुलेट करने के लिए सूत्र होता है P/V, यानी पावर जो डिलीवर की जा रही थी वो, और वोल्टेज जनरेटर की जो है वो। तो आपका जनरेटर 2 किलोवाट पावर कंजप्ट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है सॉरी, तो 2 किलोवाट को हम लिखेंगे 2000 वाट, और जो वोल्टेज हमें दी गई थी इस प्रश्न में वो है 200 वोल्ट, तो धारा का मान हो गया 10 एम्पियर और इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में लाइन वोल्टेज का मान 415 है तो फेज वोल्टेज का मान कितना होगा। आपको बता दें कि स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में एक संबंध होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर नहीं होती है। डेल्टा में अगर ये प्रश्न होता तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है। स्टार में लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज का अंडररूट 3 गुना अधिक होता है, यानी कि अगर हमें फेज वोल्टेज दी हुई हो और लाइन वोल्टेज ज्ञात करनी हो तो हम उस फेज वोल्टेज को अंडररूट 3 से यानी 1.732 से गुणा कर देंगे, लेकिन इस प्रश्न में हमसे फेज वोल्टेज पूछा गया है। तो देखिए, जब हम फेज वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो जो अंडररूट 3 है वो इस लाइन वोल्टेज के भाग में आ जाएगा, यानी फेज वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है,
कि लाइन वोल्टेज में रूट थ्री का 1.732 का भाग दे देना है। लाइन वोल्टेज का मान हमें 415 वोल्ट दिया गया और इसमें हमें भाग देना है 1.732 का, तो ये उत्तर आ जाएगा 230 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि किसी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग के बीच स्लॉट का कोण कितना होगा। यानी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है तो आपको बता दें ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग उसके बीच में फेज अंतर 90 डिग्री का होता है। यानी ये प्रश्न है सिंगल फेज के लिए पूछा गया 90 डिग्री। अगर थ्री फेज में आपसे पूछा जाए तो किन्हीं भी दो फेज वाइंडिंग के बीच में परस्पर फेज अंतर तो 120 डिग्री का अंतर होता है, फिर हम बी ऑप्शन कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब का मर्करी वेपर लैंप यानी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में जो हमारा मर्करी की वाष्प जो भरी जाती है वो कितनी होनी चाहिए जब हम उसकी इन्वायरमेंट में कंपैरिजन करें, तो वो वायुमंडल के दाब से हमेशा अधिक होती है, आपको बता दें, और वो वायुमंडल के दाब से लगभग 2.5 गुना अधिक होती है वातावरण के दाब से, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्जिंग क्रिया उसमें तुरंत प्रारंभ हो सके, इसलिए अधिक रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि 220 वोल्ट वाले और 5 हॉर्स पावर यानी 5 एचपी वाले शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है, 1 ओम का सीरीज फील्ड प्रतिरोध है, 220 ओम का शंट फील्ड प्रतिरोध लगा है और ये 17 एम्पियर फुल लोड पर धारा लेती है। शंट फील्ड धारा का मान पूछा गया है। सबसे पहले आपको शॉर्ट शंट मोटर कंपाउंड मोटर का कनेक्शन बता दें, तो सबसे पहले यहाँ पर आर्मेचर कनेक्टेड होगा और आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी जो मोटे तार कम टर्न की होगी, और यहाँ पर ये हमारे सप्लाई जो 220 वोल्ट हम मोटर को इनपुट देंगे। शॉर्ट शंट है इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग जो पतले तार अधिक टर्न की होगी वो केवल और केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में होगी। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का जो आपको प्रतिरोध दिया गया है वो है 220 ओम। तो अब हमें ये देखना है कि इस शंट फील्ड वाइंडिंग को वोल्टेज कितनी मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताएंगे कि जब हमने मोटर को 220 वोल्ट इनपुट दी तो वो वोल्टेज यहाँ से चलते हुए जाएगी और सबसे पहले सीरीज फील्ड आया, तो ये सीरीज फील्ड क्या करेगा कि कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा और शेष जो वोल्टेज बचेगी वो आगे यहाँ मिलेगी। यानी हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग को जो वोल्टेज मिलेगी, यानी शॉर्ट शंट में, आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, दोबारा सुन लीजिएगा कि शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर जब हो तो शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलने वाली वोल्टेज यानी VSH का मान, तो वो हमारे टर्मिनल वोल्टेज में से सीरीज फील्ड के वोल्टेज ड्रॉप घटाने के बाद जो शेष बचेगी वो दी जाती है। तो सीरीज फील्ड की वोल्टेज ड्रॉप भी तो हमें इस प्रश्न में नहीं दी गई थी, तो जितनी बाहर धारा होगी उतनी सीरीज फील्ड में धारा चलेगी। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम इन्होंने दिया है, बाहर धारा 17 एम्पियर थी तो सीरीज फील्ड की धारा भी 17 एम्पियर हो जाएगी, और सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1 ओम दिया गया, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने जा रही है वो 17 वोल्ट ड्रॉप हो गई। तो हम इस 220 में से 17 वोल्ट घटा देंगे तो 203 वोल्ट बचे, और ये 203 वोल्ट जो है ये हमारे इस शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलने वाला है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध और वो हमें दिया गया था। अब शंट फील्ड की जब धारा ज्ञात करेंगे तो हम सूत्र में लगाएंगे कि शंट फील्ड की वोल्टेज जो 203 वोल्ट है बटे शंट फील्ड का प्रतिरोध जो 220 वोल्ट है, यानी ये 1 एम्पियर से कम होगी लेकिन लगभग 1 एम्पियर के आसपास, तो इसका 0.925 एम्पियर उत्तर सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षैतिजीय रन्स में क्लिप्स के बीच दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती। हॉरिजॉन्टल रन में लिंक क्लिप की दूरी पूछी गई है। आपको बता दें कि बेटन वायरिंग में पीतल के बने लिंक क्लिप का उपयोग किया जाता है, यानी बेटन पर जब हम वायरिंग करते हैं तो उन केबल को बेटन पर स्थापित करने के लिए पीतल के बने लिंक क्लिप से उनको लगाया जाता है। लिंक क्लिप दो तरह से लगाए जाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। जब वो क्षैतिज में लगाई जाए तो दो लिंक क्लिप के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यही प्रश्न आपसे हॉरिजॉन्टल रन की बजाय वर्टिकल रन यानी कि क्षैतिज की बजाय आपसे ऊर्ध्वाधर में पूछा जाता तो उत्तर हो जाता बी कि 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी वर्टिकल में 15 और हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित परिणामों में से किसकी गणना करने के लिए लगाया जाता है। यानी इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, आपको बता दें कि नो लोड पर मोटर में निर्धारित वोल्टेज दी जाती है लेकिन किसी प्रकार का कोई भार संयोजित नहीं किया जाता। इस समय मोटर में हम मोटर की धारा की
पावर फैक्टर की, मोटर द्वारा ली गई इनपुट पावर, इन सब की गणना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भार धारा के बारे में ही बताऊंगा। तो नो लोड के समय मोटर द्वारा ली गई करंट नो लोड करंट कहलाती है और ये हमेशा फुल लोड करंट का 30 से 40% तक होती है। यानी मोटर नो लोड पर फुल लोड का 30 से 40% तक धारा लेती है। अगर बात करें पावर फैक्टर के लिए तो मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.1 से 0.2 के बीच में होता है और पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर है इसलिए हमेशा लैगिंग ही होगा। और इस समय मोटर जो भी इनपुट ले रही है शक्ति, तो हम सब जानते हैं कि नो लोड है यानी किसी प्रकार का भार नहीं है, तो मोटर की आउटपुट क्या होती है? जीरो। तो नो लोड पर यानी शून्य भार पर किसी भी उपकरण द्वारा ली गई इनपुट शक्ति उसमें हानियों के बराबर होती है और वो उसकी स्थिर हानियों के बराबर होती है। अब स्थिर हानियाँ हमारी दो तरह की होती है, एक लोहे हानियाँ और दूसरी यांत्रिक हानियाँ या घूर्णन हानियाँ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि घूर्णन हानि और लोहे हानियाँ ज्ञात करने के लिए हम मोटर में नो लोड टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी डीसी संट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होगी। यानी डीसी जनरेटर की फील्ड को जब हम एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं, तो वो फील्ड एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो हम सब जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स के मान पर निर्भर करता है। यदि फ्लक्स परिवर्तित होगा तो जनरेटर की वोल्टेज भी परिवर्तित होगी। यानी सीधा सा संबंध तो ये है कि हम जो रियोस्टेट लगा रहे हैं फील्ड में वो वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको दोनों ऑप्शन दे दिए कि वोल्टेज घटाने के लिए या वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज बढ़ाने के लिए तो हमें फील्ड को और ज़्यादा एक्साइट करना होता है, इसलिए हमें रजिस्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम फील्ड धारा को कंट्रोल करना चाहें, कम करना चाहें, तो फिर हमें रेगुलेटर की या रियोस्टेट की आवश्यकता होती है। इसलिए इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा कि जनरेटर में हम वोल्टेज को घटाने के लिए फील्ड में रियोस्टेट लगाते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज हमें बढ़ानी होती तो रियोस्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको सीधे सीधे डीसी सप्लाई से संयोजित कर सकते थे। लेकिन अगर हमें फील्ड धारा कम करनी हो तो इसके लिए रियोस्टेट लगाना ही पड़ेगा। तो रियोस्टेट लगाने का मुख्य पर्पज़ जो होता है वो वोल्टेज घटाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में दो तार होंगे। यानी दो फिलामेंट वाला लैंप कौन सा होता है, दो अलग अलग फिलामेंट जिसमें लगाए जाते हो, तो वो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना उसमें दो फिलामेंट होते हैं, आपको बता दें। यानी एक तरह से दो लैंप ही होते हैं उसमें, क्योंकि वो एक लॉन्ग लाइट के लिए होता है, एक शॉर्ट लाइट के लिए होता है। यानी एक लाइट जो कम होती है लंबी और एक होती है जो ज़्यादा लेंथ तक जाती है, इसलिए जो हेडलाइट होगी ना उसमें दो फिलामेंट होंगे। एक अलग सर्किट बनाएगा जो बिल्कुल डायरेक्ट लाइटिंग के लिए या प्रत्यक्ष रूप से या दूर तक प्रकाश देने के लिए होता है और एक कम लंबाई तक प्रकाश देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि किसी मोटर के घूमने की दिशा को क्या निर्धारित करता है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा नियम है जो किसी मोटर के घूमने की दिशा को संकेत कर सकता हो। देखिए मैक्सवेल में जो इसने ए ऑप्शन दिया है कोर्क स्क्रू नियम, तो ये कोर्क स्क्रू नियम हमारा किसी चालक में धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एम्पियर के दाएं हाथ का पकड़ का नियम है, तो ये भी एक किसी क्वाइल में या हम यूँ कहें कि स्पाइरल स्प्रिंग अगर हो तो उसमें ये धारा ज्ञात करने के लिए, धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेमिंग के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड का रूल, तो ये डीसी मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। और फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का यानी राइट हैंड रूल है, तो ये जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहकबल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिदीप्ति लैंप यानी फ्लोरसेंट लैंप लूप लूप आ रहा है, यानी फ्लिकर्स कर रहा है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, फ्लिकर्स का मतलब है कि लैंप आपका ऑन ऑफ हो रहा है एक तरह से, यानी लैंप डिम ऑन हो रहा है कभी, मतलब जब वो स्टार्टिंग कंडीशन में जैसा होता है ठीक उस तरह से हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो हम लैंप को बंद कर देते हैं और बंद कर भी देना चाहिए, अदरवाइज लैंप हमारा फ्यूज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तब होता है जब हमारे सिग्नल की इंटरफेरेंस बढ़ जाती हो, जिसको हम रेडियो इंटरफेरेंस या रेडियो हस्तक्षेप कहते हैं। ऐसा अगर हो तो लैंप आपका फ्लिकरिंग करने लग जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि यदि तीन फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के एक फेज को अगर शॉर्ट कर दें तो एम्पीरमीटर निम्नलिखित में से क्या दर्शाएगा। यानी जो फेज हमने शॉर्ट किया था और उसमें एक एम्पीरमीटर भी लगा हुआ था, तो करंट का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट में अधिक धारा या उच्च धारा प्रवाह होती है, इसलिए शॉर्ट किए गए उस फेज में उच्च धारा प्रवाह होगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही ऑप्शन था इसका। अगला प्रश्न है कि किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाली NVC क्वाइल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी होगी। यानी 230
230 वोल्ट रेटिंग की कोई एनवीसी है तो उसको हम कहाँ जोड़ें, तो हम जानते हैं कि 230 वोल्ट जो सप्लाई होती है वो फेज और न्यूट्रल के बीच ही हो सकती है, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच अगर हम जोड़ेंगे तो ही वो एनवीसी काम करेगी, अदरवाइज फ्यूज हो जाएगी। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा कि सीधे एक फेज और एक न्यूट्रल से हम उसको जोड़ सकते हैं, दो फेजों के साथ कभी नहीं जोड़ सकते। दो फेजों के साथ अगर वो 415 वोल्ट रेटिंग की हो तो जोड़ सकते थे हम उसको। अगला प्रश्न है कि किसी स्टार्टर को चुनते और इंसुलेट करते समय किन किन कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा घटक है जो स्टार्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी हम किसी मोटर के लिए स्टार्टर लगाने जा रहे हैं तो स्टार्टर किस रेटिंग का होना चाहिए, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहला था मोटर की करंट रेटिंग, बिल्कुल सही है क्योंकि धारा के आधार पर ही तो हम ट्रिपिंग, ओवरलोड ये सब सेट करेंगे। नेक्स्ट था मोटर का आकार, देखिए मोटर के साइज़ का जो है ना वो कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरा लोड का प्रकार, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, मोटर की वोल्टेज रेटिंग, ये सब घटक थे। तो आसान सा प्रश्न था, देखते ही ऑप्शन समझ में आ ही गया होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इनमें से कहाँ नहीं लगता, या ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का नहीं है। ट्रांसफार्मर पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ही था, रिले एसी और डीसी दोनों पर लगते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं। उसके बाद में कॉलिंग बेल, विद्युत घंटी जो होती है ये भी एक प्रकार का अस्थायी चुंबकीय होता है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है हमें इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसको हम अपनी भाषा में प्रेस कहते हैं, ये जो कपड़े गर्म करने के लिए अपन लगाते हैं वो इलेक्ट्रिक आयरन में हमारा विद्युत चुंबक नहीं होता, वहाँ पर हमारा उसमें सिद्धांत काम करता है, हीटिंग एलिमेंट लगाया होता है इसमें। अगला प्रश्न है कि जब किसी स्थापना में इंस्टॉलेशन में 10 एम्पियर का प्रवाह रिसाव हो, यानी लीकेज करंट है 10 एम्पियर की, तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये यूँ कह रहा है कि किसी अधिष्ठापना में, यानी कोई ऐसी वायरिंग है जिसका रेटिंग करंट जो है ना वो 10 एम्पियर है, तो लीकेज करंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ये प्रश्न पूछा गया है कि वायरिंग में बार धारा का मान या रेटेड करंट का मान 10 एम्पियर है और लीकेज करंट कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वायरिंग में लीकेज करंट जो है वो निर्धारित मान के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे इसमें जो निर्धारित धारा है वो 10 एम्पियर है, यानी 10 एम्पियर का 5000वां भाग है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस 3 जीरो को अगर साइड में रख के हम इसको मिली में कन्वर्ट करें तो आंसर मिली एम्पियर में आ जाएगा, और 5/10 को अगर हल करें तो 2 उत्तर आ रहा है, यानी इसको 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट इस सर्किट में नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देते हैं, आप आंसर हल करके देख लीजिएगा। लीकेज करंट का मान एसी में 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा रेटेड है तो 10 का 5000वां भाग आप करके देखिए 2 मिली एम्पियर आएगा। अगला प्रश्न है कि डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है। यानी डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है उसको आप फील्ड से कंट्रोल भी कर रहे हो, यानी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग किया गया है, तो कौन सा स्टार्टर आपके पास होना चाहिए। जब हम स्पीड को फील्ड के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको बता दें शंट मोटर के लिए 2 तरह के स्टार्टर होते हैं, या तो 3 पॉइंट स्टार्टर लगाओ या 4 पॉइंट स्टार्टर लगाओ, यानी ऑप्शन तो सी या डी में से ही होना था, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में से ही। अब बात यह आती है कि जब हम फील्ड को परिवर्तित करेंगे तो फिर ऐसी पोजीशन में हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड का सर्किट अलग होता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में जो एनवीसी होती है वो फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में ही होती है। जब हम फील्ड को परिवर्तित करेंगे तो ठीक उसी समय एनवीसी में से प्रवाहित होने वाली धारा भी परिवर्तित होगी और मोटर किसी भी वजह से ट्रिप हो सकती है। यानी कि एनवीसी जो होती है 3 पॉइंट स्टार्टर में वो फील्ड के श्रेणी क्रम में थी, इसलिए हम फील्ड धारा को परिवर्तित कर नहीं सकते, और 4 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड का सर्किट अलग होता है और एनवीसी प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ श्रेणी क्रम में अलग से होती है। इसलिए जब फील्ड को कंट्रोल करना हो, फील्ड को वेरिएबल परिवर्तन करना हो, तो ऐसे समय में हम 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटानिया जोड़ जो कि एक प्रकार का विद्युत जोड़ है, यानी इलेक्ट्रिकल जॉइंट, निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटानिया जो जोड़ होए वो ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है, यानी ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन की लाइनें होती हैं इनमें चालक तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी जब तार एक पूरा हो जाता है दूसरा तार नया शुरू करना हो तो उसको ब्रिटानिया जॉइंट के माध्यम से ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है, यानी शेडेड पोल मोटर का एक तरह से आपसे भाग ही पूछा गया था, तो शेडेड पोल मोटर में पहला ही ऑप्शन दे रखा है रोटर, शेडेड पोल में रोटर पाया जाता है, और आपको बता दें कि शेडेड पोल मोटर का रोटर जो होता है वो केज टाइप रोटर होता है। दूसरा था सेंट्रीफ्यूगल
स्विच, तो शेडेड पोल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, मोटर में कम्यूटेटर भी नहीं होता और मोटर में कैपेसिटर भी नहीं होता, यानी ये तीनों पार्ट शेडेड पोल में नहीं होते जबकि रोटर शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेन कॉन्टैक्टर की तुलना करें तो सहायक कॉन्टैक्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है। आपको बता दें, जैसा कि कॉन्टैक्टर के बारे में बात कर रहा है तो हम किसी कॉन्टैक्टर में, या जैसे ड्यूअल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर के कॉन्टैक्टर अगर आपको याद हो तो मुख्य धारा ले जाने के लिए तीन मेन कॉन्टैक्ट होते हैं जिनमें से आर वाई बी की करंट फ्लो होती है, लेकिन इनके साथ ही हम एक ऑक्जिलरी एनो कॉन्टैक्ट लगाते हैं। तो इनमें आर वाई बी की सप्लाई जो मेन कॉन्टैक्ट में जाती है वो ठीक आगे मोटर को सप्लाई प्रदान करती है, तो ये हमेशा लोड करंट लेकर जाते हैं, जबकि ये जो होता है ये हमेशा कंट्रोल सप्लाई के लिए होता है, ऑक्जिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें कम धारा प्रवाहित होती है, हमेशा ए ऑप्शन हो जाएगा कि वो कम करंट ले जाता है, यानी सहायक कॉन्टैक्ट में हमेशा कम धारा प्रवाहित होगी जबकि मेन कॉन्टैक्ट में हमेशा अधिक धारा प्रवाहित होगी, वो बाहर धारा के बराबर होती है मेन कॉन्टैक्ट में। अगला प्रश्न है कि हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में विद्युतीय अंतरपार्शन यानी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग किस तरह से जुड़ता है। प्रश्न ये है कि जब हम स्लिपरिंग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो रोटर के साथ हम रियोस्टेट लगाते हैं, बाहरी रियोस्टेट, तो ये रोटर रियोस्टेट कुछ जगह पर ऑटोमेटिक वाले होते हैं जिनमें कॉन्टैक्टर ड्रॉप पिकअप होते जाते हैं और वो रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर करते जाते हैं, लेकिन जब मैनुअली हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध यानी मैनुअली रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हमने लगा रखा है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होगी वो किसके साथ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का मतलब है जब हमने मोटर को कमांड दे दी तो मोटर के स्टेटर को तो लगातार सप्लाई जाती रहे और रोटर प्रतिरोध को हम हाथ से कम करते रहें, घटाते जाएं, तो ऐसे में वो स्टार्ट बटन के सीरीज में होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी एसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित्य प्रतिघात से ज़्यादा हो तो कौन सा कथन सही होगा। यानी प्रश्न ये है कि एक्स सी की अपेक्षा एक्स एल का मान ज़्यादा है, एसी सर्किट है जहाँ एक्स एल का मान एक्स सी से ज़्यादा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके बारे में सही होगा। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कुछ अलग भाषा में लिखे गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑप्शन क्लियर कर दूँ, ये विद्युत प्रवाह जो कह रहा है ये आपसे धारा के बारे में कह रहा है, यानी आपको यहाँ पर विद्युत प्रवाह जो शब्द दिया गया है इसकी जगह आपको विद्युत धारा शब्द पढ़ना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है कि विद्युत धारा इन फेज है, सेकंड ऑप्शन दिया है कि विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज से ज़्यादा है, यानी जो धारा का मान है वो वोल्टेज से आगे है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है यानी धारा पीछे है, और अगला कह रहा है कि जो धारा है वो आउट ऑफ फेज है। तो आपको दोबारा एक बार ऑप्शन क्लियर कर दूं मैं, विद्युत प्रवाह जो है ये ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि धारा इन फेज अगर हो, तो आपको बता दें फ्रेंड धारा इन फेज जब अगर होगी तो उस समय एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर होगा क्योंकि सर्किट रेजोनेंस हो गया और उस समय पावर फैक्टर इकाई हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज़्यादा है यानी धारा का मान वोल्टेज से आगे हो, अगर ऐसा होता तो फिर हमारे एक्स सी का मान अधिक होता, और नेक्स्ट कह रहा है कि धारा प्रवाह वोल्टेज से कम है यानी धारा वोल्टेज से पीछे चल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी एक्स एल ज़्यादा हो एक्स सी कम हो तो ऐसे समय में सर्किट जो है वो इंडक्टिव प्रकार का हो गया, यानी धारा वोल्टेज से लेगिंग रहनी चाहिए थी, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि 100 एम्पियर घंटा क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर का करंट लिया जाता है तो वो कितने घंटे तक लगभग चलेगी। आपको बता दें कि बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में होती है, यानी कि बैटरी हमें इतने एम्पियर की धारा इतने घंटे तक दे सकती है, लेकिन जब हमें बैटरी का समय या धारा पूछी जाती हो तो हम बैटरी की क्षमता में धारा या समय का भाग दे देते हैं। तो अगर हमें टाइम ज्ञात करना है तो हम बैटरी की कैपेसिटी में धारा का भाग दे देंगे, तो हमें बैटरी की कैपेसिटी दी गई है 100 एम्पियर घंटा क्षमता और बैटरी से हम धारा जो ले रहे हैं वो 8 एम्पियर की, यानी 100 में 8 का हमें भाग देना है तो वो आ जाएगा 12.5 आवर्स, यानी 12.5 घंटे तक वो देती रहेगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, बैटरी की क्षमता होती है एम्पियर घंटा क्षमता में, यानी आपको एम्पियर इंटू आवर करना है और वो दी गई क्षमता के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो यूनिवर्सल मोटर की हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मोटर की स्पीड के बारे में दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो सकती है, इसको डीसी सीरीज और एसी सीरीज मोटर भी हमें कहते हैं। तो मोटर की गति जो है वो भार पर निर्भर करती है, भार के आधार पर बदलती रहती है, भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उच्च भार पर निम्न गति और निम्न भार पर उच्च गति होगी, इसलिए मोटर को बिना भार के हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि भार के आधार पर मोटर की गति बदलती रहती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पूछा गया है। आपको बता दें चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो प्रॉपर मैग्नेट बन जाते हो, यानी विद्युत के सबसे सबसे अच्छे चुंबक के प्रति एक्टिव जो होना, उनको अपन कहते हैं। तो इसमें लोहे धातु में आती है, जैसे हमारा लोहा, निकिल, ये सब धातुएं इसी में आती है, तो ये निकिल हो जाएगा। इसके अलावा जो तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये हम सबको दिए गए थे, तो ये हमारे अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बता दें कि कैपेसिटर टाइप की मोटरें हैं, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर प्रकार की मोटर होती है, इनके स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक को हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, एक को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए या तो हमें रनिंग वाइंडिंग के या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदले पड़ते हैं, यानी दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के, या तो रनिंग वाइंडिंग के या स्टार्टिंग वाइंडिंग के, किसी एक वाइंडिंग के हमें कनेक्शन बदलने पड़ते हैं। आपको बता दें यहाँ कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है डायरेक्शन बदलने में, यानी छत पंखे की भी अगर आपको डायरेक्शन बदलनी है तो या तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदलने पड़ते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि मेन या स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़ जो है उसको हम परिवर्तित करेंगे। अगला प्रश्न है कि चलित लोहे एमीटर, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊँ, ये कह रहा है मूविंग आयरन मीटर, यानी MI टाइप का कोई मीटर है, तो उसका प्रचलन किस पर आधारित होता है, यानी MI टाइप का मीटर जो होता है वो धारा के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि MI टाइप का मीटर जो होता है वो AC और DC दोनों पर अप्लाई हो सकता है, इसलिए प्रेरण का प्रभाव हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेरण का प्रभाव केवल AC पर होता है। दूसरा हीटिंग का प्रभाव है, हीटिंग का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ताप के जो उपकरण होते हैं उनको हम थर्मोकपल मीटर कहते हैं, और स्थिर वैद्युतिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, इस पे केवल और केवल वोल्ट मीटर ही काम करता है। तो MI टाइप का जो होता है वो एम्पीमीटर भी हो सकता है और वोल्ट मीटर भी, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिद्धांत दिया इन्होंने, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न था कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा है? कम्यूटेटर में जो भिन्न भिन्न सेगमेंट काटे जाते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग सर्किट बनाते हैं, वो आपस में कभी कोई कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, यानी पास पास के सेगमेंट, तो उनको हम इंसुलेशन बनाए रखने के लिए उन सब के बीच में माइका यानी अब्रक का उपयोग करते हैं। ये तो सबसे आसान प्रश्न है, हमें बहुत बार दिया गया भी था। अगला प्रश्न है कि 50 चक्कर प्रति सेकंड दोलन की आवर्तकाल कितना होगा? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आपसे समय अंतराल पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, यानी जब समय ज्ञात करना हो तो 1/ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना हो तो 1/ समय हम कर सकते हैं। तो जो हमें यहाँ पर समय दिया गया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो है 50 हर्ट्ज, यानी 50 चक्कर प्रति सेकंड। तो 1/50 को जब हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.02 सेकंड, लेकिन इस प्रश्न में आपको जो ऑप्शन दिए गए थे सारे वो कम्प्लीटली मिली सेकंड में थे। जब 0.2 सेकंड को मिली में कन्वर्ट करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 20 मिली सेकंड। अच्छा प्रश्न है, सूत्र याद रखिएगा, टाइम बराबर 1/ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर 1/ टाइम। अगला प्रश्न है कि एक BOT यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है? BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT का होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी वह वैद्युतिक इकाई जिस पर हमारा विद्युत ट्रेड होता हो, यानी क्रय विक्रय जिस पर किया जाता हो फ्रेंड्स, तो वो हमारे एक यूनिट के बराबर होती है, यानी कि एक BOT यूनिट जो होती है वो हमारे एक यूनिट के बराबर होती है। और आप सब जानते हैं कि यूनिट को हम एक KWH कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं, और एक किलो का मतलब होता है 1000, यानी एक BOT जो होता है हमारा वो 1000 वाट घंटे के बराबर होता है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है स्पार्क विहीन कम्यूटेशन, यानी कि स्पार्क लेस कम्यूटेशन अगर हमें चाहिए तो क्या करें? तो DC जनरेटर में स्पार्किंग कम करने के लिए कई तरह की विधियां होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि है कि इंटरपोल लगाए जाते हैं, और ये बिल्कुल सही आंसर है। आपसे प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि DC मशीन में इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं, तो उसका भी हम आंसर यही देंगे कि स्पार्किंग को
कम करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। इंटरपोल मुख्य पोल की तुलना में छोटे होते हैं लेकिन मुख्य पोल की संख्या में हमेशा बराबर होते हैं। इंटरपोल कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं हमेशा। इनकी जो पोलरिटी या ध्रुवता जो होती है, तो वो जनरेटर में घूर्णन दिशा में आगे आने वाले पोल के समान और मोटर में घूर्णन दिशा में आगे आने वाले पोल के विपरीत होती है इसकी पोलरिटी या ध्रुवता, यानी एन बनेगा कि एस बनेगा। नेक्स्ट है कि छत पंखे का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है, यानी छत पंखे में घूमता कौन है। दोस्तों आपको बता दें कि छत पंखे में स्टेटर जो होता है वो अंदर होता है और रोटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि मोटर में जो भाग घूमता है उसको हम रोटर कहते हैं, तो छत पंखे में जो रोटर घूमता है वो बाहर होता है और वो बाहरी बॉडी के साथ होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि बॉडी के साथ केज टाइप का रोटर जो होता है वो घूर्णन करता है, वैसे बॉडी घूर्णन करती है। इसका उत्तर सही था। अगला प्रश्न है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग जब वोल्टेज इनपुट देने पर चुंबकीय क्षेत्र बनाकर खुद में एक वोल्टेज उत्पन्न करती हो तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपसे यही प्रश्न साधारण ट्रांसफार्मर के लिए या मुख्य ट्रांसफार्मर के लिए पूछ देते तो फिर उत्तर होता म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण जिसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अग्नितर को किसी संवाहक से किस तरह से जोड़ना चाहिए। अग्नितर का मतलब है यहाँ पर फ्यूज और संवाहक यानी कंडक्टर। यानी ये अपन से सवाल ये पूछा गया है कि फ्यूज को किसी कंडक्टर पर किस तरह से जोड़ना चाहिए, यानी कौन से कंडक्टर पर कनेक्ट करना चाहिए और वो कैसे करना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और फेज तार पर लगता है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी श्रृंखला और लाइव। लाइव तार फेज तार को ही कहा जाता है और श्रृंखला यानी सीरीज में, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, सीरीज में लगेगा और लाइव तार के लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किस से पढ़ सकेगा। तो शॉर्ट में अपन सब इसको पीएमएमसी मीटर के नाम से जानते हैं, पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। तो स्थायी चुंबक चल कुंडली प्रकार का मीटर अपन सब जानते हैं कि केवल और केवल डीसी सप्लाई पर काम करता है। ये डीसी का एम्पीयर और वोल्ट मीटर हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल डीसी मापन का। अगर एमआई टाइप का मीटर होता तो वो एसी डीसी दोनों मापन कर सकता है, और मूविंग क्वाइल टाइप का मीटर तो होता लेकिन परमानेंट मैग्नेट शब्द ना दिया हुआ हो और डायनमोमीटर मूविंग क्वाइल दे देते तो एसी डीसी दोनों मापन, फिर ए उत्तर आ जाता। यानी डायनमोमीटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर लगता है, और एमआई टाइप मीटर होता है वो भी एसी और डीसी दोनों पर लगता है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल जो होता है वो केवल और केवल डीसी पर लगता है। अगला प्रश्न है कि किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक यानी जो कंडक्टर या चालक जो होते हैं वो निम्नलिखित में से किस पर कम्यूटेटर से जोड़े जाते हैं। आपको बता दें कि आर्मेचर चालक जो होते हैं वो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ सीधे सीधे कभी कनेक्ट नहीं किए जाते, डायरेक्ट सेगमेंट के साथ कभी कनेक्ट नहीं होते, उनको हम राइजर के माध्यम से जोड़ते हैं, और राइजर पर हम या तो कॉपर के लग लगाकर या फिर सोल्डरिंग करके उनको हम कनेक्ट करते हैं। ये राइजर उभरा हुआ भाग होता है जो कम्यूटेटर सेगमेंट के ठीक पीछे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, तो उस राइजर से हम उसको कनेक्ट करते हैं, और ये जो राइजर होता है ये राइजर हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट रहता है। यानी आर्मेचर चालकों से जो ईएमएफ या करंट उत्पन्न हुआ वो राइजर में आया, राइजर से कम्यूटेटर सेगमेंट में आया, और कम्यूटेटर सेगमेंट से ब्रूसों से होते हुए बाहरी सर्किट में टर्मिनल बॉक्स तक प्लस और माइनस की सप्लाई हमें बाहर मिल जाती है। यानी कम्यूटेटर राइजर पर जोड़े जाते हैं और इन्हें कॉपर के लग से जोड़े जाते हैं। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कम्यूटेटर राइजर के साथ आर्मेचर चालक कैसे जोड़े जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर के लग। अगला प्रश्न है कि किसी सीआरटी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है। तो सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, इसको हम टीवी की पिक्चर ट्यूब भी कह सकते हैं या कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन जो होती थी ना वो, तो ये एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है, और इस पर बीम जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं इसके बीम पर तो ये हमें मतलब स्क्रीन पर चलचित्र दिखाई देते हैं। तो ये जो सीआरटी होती है इसकी क्राउन कांच की बनी हुई होती है, तो इसकी आंतरिक सतह पर हमें किसी पदार्थ की कोटिंग करते हैं और वो पदार्थ है हमारा फास्फोरस, तो फास्फोरस की कोटिंग करते हैं, इसका ए उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी स्लिप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये धारा प्रवाह के बारे में भी बात कर रहा है, यहाँ पर आपको बता दें फिर वही प्रश्न या उसी तरह की लैंग्वेज आ गई
प्रवाह का मतलब है कि धारा प्रवाह। तो एक तो सीधा सा है कि अगर मोटर में भार बढ़ेगा तो मोटर की गति घटेगी, गति घटने से स्लिप बढ़ गई। लेकिन ये यूँ कह रहा है कि जब मोटर की स्लिप बढ़ेगी तो उसके साथ साथ और क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो स्लिप बढ़ने से मोटर की धारा भी बढ़ जाती है, या स्लिप का छोड़ दीजिए, आप ये कहिए कि मोटर का जब भार अधिक हो गया तो फिर धारा प्रवाह भी बढ़ेगा, क्योंकि मोटर लोड बढ़ने पर अधिक धारा लेती है। सिंपल सा प्रश्न था, बट हिंदी देने से यहाँ कन्फ्यूजन डाल दी। प्रवाह बढ़ता है, धारा प्रवाह बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भार बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। सीधा सा सवाल है। अगला प्रश्न है कि किसी छत पंखे के परिपथ में जो रेगुलेटर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं हम। आपको बता दें कि रेगुलेटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, गति नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटर ऐसा क्या करता होगा। तो आपको बता दें कि मोटर एसी की हो या डीसी की हो, सिंगल फेज इंडक्शन हो या थ्री फेज इंडक्शन हो, मोटर की गति हमेशा हमेशा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी अगर मोटर को मिलने वाले वोल्टेज का मान कम हो जाता है तो उसकी गति भी घट जाती है। तो हम रेगुलेटर जो होता है ये हमारा यूरेका या वाउर बाउंड एक प्रकार का प्रतिरोधकी होता है। तो हम वो रेगुलेटर जो लगाते हैं उससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करवा लेते हैं, यानी जो छत पंखे की मोटर को जो पूरी पूरी वोल्टेज मिलने वाली थी हम वो वोल्टेज कम कर देते हैं, एक तरह से वोल्टेज को ड्रॉप करवा देते हैं। तो हमारे मोटर को कम वोल्टेज मिलती है जिससे मोटर की गति भी घट जाती है। तो हम मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, तो हम पंखे में लगे वोल्टेज को उसमें कम करते हैं, यानी पंखे की मोटर को जो वोल्टेज मिलती है वो घटा देते हैं, तो उससे गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि IE यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी भारतीय विद्युत के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाने वाला कलर कौन सा है। तो न्यूट्रल के लिए काला रंग होता है, आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। फेज के लिए रंगों का क्रम होता है RYB यानी रेड येलो एंड ब्लू, रेड येलो एंड बी फोर, यहाँ पर ब्लू है यानी नीला रंग काम में लेते हैं। R का मतलब है रेड यानी लाल, Y का येलो यानी पीला, और बी फोर ब्लू यानी नीला। और न्यूट्रल जो तार होती है उसके लिए हम फिर बी शब्द उपयोग करेंगे, लेकिन बी का यहाँ पर मतलब है ब्लैक, यानी न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है, और जो फिर हमारा अर्थ का वायर बच गया उसके लिए होता है हरे रंग का तार। यानी कुल 5 रंगों का उपयोग करते हैं हम, रेड येलो एंड ब्लू ये तीनों फेज के लिए, ब्लैक जो होगा वो न्यूट्रल के लिए, और जो ग्रीन होगा वो अर्थ तार के लिए काम में लेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी डीसी जनरेटर की पुली ने 1.5 मिनट में 2100 चक्कर पूरे किए हैं, RPM में डीसी जनरेटर की गति कितनी होगी। RPM का मतलब होता है चक्कर प्रति मिनट, यानी आपसे एक मिनट का पूछा गया है और आपको 1.5 मिनट का दिया था, तो इसमें हम गणित का एक एक नियम लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। क्या सवाल क्या था, सवाल ये है कि 1.5 मिनट का जब वो समय लेता है तो वो 2100 चक्कर काटता है। अगर हमें इसको एक मिनट का ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इस 2100 में हम 1.5 का भाग दे देंगे, और 1.5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1400 RPM, इसका उत्तर हो जाएगा। यानी प्रति मिनट में पूछा था, 1.5 मिनट का हमें दिया गया था, तो जो चक्कर दिए गए थे उसमें दिए गए समय का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 पोल वाले एक दिश लेप कुंडलित आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होगी। देखो एक दिश का मतलब है यहाँ पर सिंप्लेक्स कहेंगे हम इसको, क्योंकि जो लेप और वेव वाइंडिंग होती है ये लेप के आधार पर चार प्रकार की होती है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। तो इससे क्या समांतर रास्तों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आपको बता दें कि डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, आर्मेचर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, लेप और वेव वाइंडिंग। अगर लेप वाइंडिंग हो तो धारा के समांतर रास्तों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, और अगर वेव वाइंडिंग हो तो धारा के समांतर रास्ते सदैव दो होंगे। यानी अगर लेप वाइंडिंग है तो समांतर रास्ते जितने पोल है उतने ही। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया था कि लेप वाउंड आर्मेचर है तो 4 पोल थे, इसलिए धारा के रास्ते भी कितने हो गए, 4। अगर इसी प्रश्न में लेप वाइंडिंग की जगह सिर्फ वेव वाइंडिंग कर देता, बाकी प्रश्न अगर सेम रहता, तो इसका उत्तर आता फिर 2। और सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स भी अगर चेंजेस कर देते हैं तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। वैसे रास्तों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है पोल इंटू प्लेक्स और 2 इंटू प्लेक्स, यानी वेव वाइंडिंग में 2 इंटू प्लेक्स और लेप वाइंडिंग में पोल इंटू प्लेक्स होता है। बट जब सिंप्लेक्स दे दिया हो तो सीधा सीधा हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाले एक व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। यानी नॉर्मल एक व्यक्ति के शरीर के रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध नहीं, ये सवाल सही नहीं है। ये है
जब व्यक्ति का शरीर नमी युक्त हो तब, वैसे तो प्रतिरोध बहुत होता है, वैसे तो प्रतिरोध 500 से 600 किलो ओम के आसपास होता है, पर ये इसका जो 1 किलो ओम इन्होंने आंसर दिया है, ये 1 किलो ओम प्रतिरोध है जब व्यक्ति का शरीर गीला हो तब सामान्य अवस्था के लिए होगा। अगला प्रश्न है कि एमजी सेट को अलाइनमेंट करते समय यदि मोटर का शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। आपसे प्रश्न ये किया जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट में जो अलाइनमेंट होती है, तो आपको बता दें कि मोटर और जनरेटर सेट में जो इनकी अलाइनमेंट होती है उनमें दोनों मशीन की शाफ्ट का लेवल बराबर होना चाहिए, यानी अगर शाफ्ट कोई ऊपर नीचे है तो तुरंत शाफ्ट टूट जाएगी आपकी या वो टेढ़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी अलाइनमेंट करते हैं और दोनों मशीन की शाफ्ट का लेवल बराबर करते हैं। तो शाफ्ट का लेवल बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, आपको बता दें तो जिस मशीन का यानी मोटर या जनरेटर में से जिसका लेवल नीचे पाया जाता है हम उसी के लेवल को ऊपर उठाते हैं, और इसके लिए नीचे हम लोहे की कुछ पत्ती वगैरह लगा देते हैं, उसको सिम बोलते हैं हम। तो ये हम ये कह रहे हैं लोअर के लिए व्यवस्था क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मोटर के लेवल को उठाना है, क्योंकि मोटर का लेवल नीचे पाया गया था इसलिए हम मोटर के लेवल को उठाएंगे, यानी जिसका लेवल नीचे होता है उसी को उठाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो तो उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका क्या होगा। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो ऑप्शन हमें दिया गया है उस हिसाब से ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि कुल प्रतिरोध RT बराबर 1/2 और फिर इन सब का हम LCM ले लेते हैं, यानी 1/R1 + 1/R2। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो तब क्या होगा, तो यदि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हो तो सूत्र होता है R1 × R2 × R3 और फिर इन सब में हम भाग देंगे, क्या करेंगे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी प्रकार 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनके साथ जोड़ेंगे, ठीक इसी तरह से फिर हम 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, यानी R1 × R2 + R2 × R3 + R3 × R1 इन सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ करके और तीनों को 1 × 2 × 3 में भाग दे देंगे। ये भी एक तरीका होता है। अगला प्रश्न है कि एक एल्युमिनियम के सोल्डर का गलनांक कितना होगा। तो ये तो फ्रेंड्स आपको एक टेम्परेचर रेंज दी गई थी, सीधे सीधे आपको याद रखनी है, जैसा कि इन्होंने दिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 215 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनकी एक रेंज होती है एल्युमिनियम सोल्डर, जहां से वो पिघलना शुरू हो जाता है। सोल्डर क्या होता है आपको बता दें, तो जॉइंट लगाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो सोल्डर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंजरी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होने का कारण निम्न में से कौन सा है। स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम क्यों होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये कंपैरिजन आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर से करवाया जा रहा है। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा धारा लेती है और मोटर का पावर फैक्टर जो है वो कम होता है। तो ये इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है। और स्लिपरिंग मोटर के लिए बात करते हैं तो स्लिपरिंग मोटर की निम्न स्टार्टिंग धारा होती है और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी ये दोनों मोटरों की एक तरह से विशेषता ही होती है, क्योंकि हम स्लिपरिंग मोटर में वाउंड रोटर का उपयोग करते हैं और उसको बाहरी रियोस्टेट से कंट्रोल कर लेते हैं। जब रियोस्टेट लगाने से धारा कंट्रोल हो गई, एक तो वो बेनिफिट मिल गया और दूसरा रोटर में प्रतिरोध जुड़ने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया और पावर फैक्टर भी बढ़ गया, तो ये हमें केज मोटर की तुलना में उसके बेनिफिट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फेज की मोटर सबसे सस्ती है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो सबसे सस्ती मोटर मिलती हो हमें, है ना। तो सबसे सस्ती मोटर इन्होंने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दिया है, क्योंकि इस मोटर में रनिंग के समय आपकी केवल एक रनिंग वाइंडिंग ही काम करती है, क्योंकि 75% गति के बाद कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों हट जाएंगे, यानी बाद में मोटर केवल एक ही वाइंडिंग पर काम करती रहती है इसलिए। अगला प्रश्न है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित होता है। अग्नितर यानी फ्यूज का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो फ्यूज धारा के उसमें सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि ये निर्धारित मान से अधिक धारा होने पर गर्म होकर पिघलकर टूट जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, ताप के प्रभाव या ताप के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, यानी दो या दो से अधिक फेज की जो सप्लाई होती है उसको हम पॉलीफेज कहते हैं। आपको दोबारा बता दें, पॉलीफेज सप्लाई वो होती है जब फेज की संख्या दो या दो से अधिक हो, और हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक फेज की सप्लाई पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोटर का गुण होगा कि मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है।
अगला प्रश्न है कि ड्यूअल स्टार्टर द्वारा शुरू की जाने वाली तीन फेज इंडक्शन मोटर में यदि परिपथ शॉर्ट सर्किट हो तो उससे बचाव कौन देगा। दोस्तों आपको एक बार सारी बातें रिपीट कर देते हैं। ड्यूअल स्टार्टर में तीन तरह की युक्तियां लगती है, एक होती है NVC, एक होती है OLC और एक होते हैं हमारे फ्यूज। तो इन फ्यूज को हम बैकअप फ्यूज बोलते हैं। बैकअप इसलिए क्योंकि इन सब का एक बार मैं काम बता देता हूँ आपको। ओवरलोड रिले जो होगी ये मोटर को केवल और केवल ओवरलोड से बचाएगी, यानी जब भार धारा निर्धारित मान से अधिक होगी तब ओवरलोड रिले ट्रिप होगी और हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। NVC का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल और इसको हम होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। इसका काम है जब जब सप्लाई रहे तब तक ये कॉन्टैक्ट को होल्ड करके रखे और मोटर को चालू स्थिति में बनाए रखे। यदि सप्लाई चली गई तो ये कॉन्टैक्टर को छोड़ देगी और मोटर हमारी ट्रिप हो जाएगी। अब अगर फिर से सप्लाई आ भी गई तो ये स्टार्टर को ऑन अभी ऑटोमेटिक नहीं होने देगी, यानी कमांड देंगे तभी। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस समय जो हमारा ICTP स्विच होता है उसमें जो तीन फ्यूज लगे रहते हैं वो ट्रिपिंग देते हैं और उसको हम बोलते हैं बैकअप फ्यूज। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बैकअप फ्यूज है जो शॉर्ट सर्किट से रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित EMF की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो प्रेरित EMF उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार बहाव में परिवर्तन करता है या उसी के विरोध धारा प्रवाह को सेटअप करता है, ये किसका नियम है। यानी साधारण भाषा में यूं कहें तो ये कह रहा है कि प्रेरित EMF की दशा सदैव इस प्रकार होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा होता है। तो हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा नियम है ये लेंज का नियम था, क्योंकि लेंज ने ये नियम दिया था कि जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सारे सिद्धांत ईजी है। फैराडे ने एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था और दूसरा वैद्युतिक अपघटन का दिया था। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक धारा नियम और दूसरा वोल्टेज नियम। और ओम का नियम हम जानते ही है कि बंद परिपथ में वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि किसी तीन फेज 400 वोल्ट वाली 10 HP की स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि एक HP की जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो पूर्ण भार पर 1.5 एम्पीयर धारा लेती है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, प्रश्न अच्छा है। एक HP की थ्री फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है। अब हमारे मोटर 10 HP की दे रखी है प्रश्न में, तो मोटर की पूर्ण भार पर जो धारा हुई वो 15 एम्पीयर हो गई। फ्यूज की रेटिंग पूछी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूज निर्धारित धारा का 1.5 गुना होता है, यानी सबसे पहले तो आपको मोटर की जो HP रेटिंग थी उसको 1.5 से गुणा करके मोटर की निर्धारित भार धारा ज्ञात करनी थी और वो आई है 15 एम्पीयर। अब जब फ्यूज की रेटिंग पूछी गई है तो फ्यूज भी निर्धारित धारा का 1.5 गुना होता है, यानी 15 एम्पीयर को भी आपको 1.5 से और मल्टीप्लाई करना था। तो ये उत्तर आया हमारा 22.5 एम्पीयर, यानी फ्यूज 22.5 एम्पीयर का होगा और दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा फ्यूज 25 एम्पीयर का हो जाएगा। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि मोटर पूर्ण भार पर तीन फेज की इंडक्शन मोटर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है और उसका 1.5 गुना हमें और लगाना था। अगला प्रश्न है कि सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल की आउटपुट कितनी होगी। तो आपको एक बार रिपीट कर दे दोबारा, कार्बन और जिंक वाला जो सेल है उसको हम अपनी भाषा में ड्राई सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम या हम जिसे इसे पढ़ते हैं तो वो अपन ने इनको नाम दिया हुआ है शुष्क सेल। ये शुष्क सेल की बात कर रहा है और शुष्क सेल जो होता है उसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, यानी एक शुष्क सेल हमें 1.5 वोल्ट देता है। अब 5 सेल है और वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सेल वोल्टेज बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में सेलों की वोल्टेज बढ़ जाती है। तो 5 सेल श्रेणी क्रम में थे, 1.5 वोल्ट प्रत्येक की उनकी रेटिंग थी, तो उत्तर हो जाएगा 7.5 वोल्ट। बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रिपल्शन मोटर की कमी नहीं है, यानी इसमें से ऐसी कौन सी एक जो चीज़ है वो रिपल्शन मोटर की हानि नहीं है, यानी अवगुण नहीं है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि जो रिपल्शन मोटर होती है ये कम्यूटेटर मोटर का एक तरह से प्रकार होता है और मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर काम करती है, बाकी सारे मोटर के अवगुण ही है। अगला प्रश्न है कि अग्नित्र का प्राथमिक प्रकार ये क्या है, यानी फ्यूज जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, हम इसको क्यों लगाते हैं। तो देखिए इसमें दिए गए ऑप्शन आपको सारे ही सही लग रहे होंगे, जैसे कि परिपथ को खोलना, उपकरण की रक्षा करना, अतिरिक्त प्रवाह से बचाना। तो देखिएगा कि परिपथ खोलना और उपकरण की रक्षा वो तभी दे पाएगा जब वो अतिरिक्त धारा प्रवाह से बचाव करेगा, यानी धारा निर्धारित मान से अधिक होने पर वो परिपथ को खोल देता है जिससे उपकरण की रक्षा होती है। तो वो सबसे पहला काम क्या कर रहा है कि निर्धारित मान से ज़्यादा धारा को सर्किट में कभी नहीं जाने देगा, इस आधार पर इसका हम
डी उत्तर करेंगे कि अतिरिक्त धारा प्रवाह को रोकना, ये सबसे बड़ा और अच्छा काम होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि धारा जैसे निर्धारित मान से अधिक हो तो उस समय वो ट्रिप हो जाना चाहिए, प्रपीत को खोल देना चाहिए। तो उसका काम है कि धारा निर्धारित मान से ज़्यादा होने पर उसको रोका जाए। अगला प्रश्न है कि गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले आपको गीजर की टंकी के बारे में बता दें, गीजर की टंकी जो होती है वो दो परतों से बनी होती है। उसकी आंतरिक परत जो होती है वो टिन आलेपित तांबे की होती है, यानी कॉपर की होती है, और उस पर टिन की कोटिंग होती है। टिन की कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि उस पर कोई कोरोजन यानी जंग ना लगे। और बाहरी जो होता है वो माइल्ड स्टील का होता है, और इन दोनों के बीच में हम ऊष्मारोधी पदार्थ भरते हैं जिसका नाम है ग्लास वूल, यानी कांच की रुई भरते हैं। इसका कारण ये है कि जो गर्म पानी था वो ठंडा नहीं हो जाए बाहर के वातावरण से, यानी ऊष्मा को अंदर वो बनाए रखे, ग्लास वूल इसके लिए भरते हैं। अगला प्रश्न है कि विभव प्रवर्धक, यानी ये दूसरा अगर इंग्लिश में बोले तो आपसे ये पूछ रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर की तरह काम में लेते हैं। तो पीटी, आपको बता दें ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी। सीटी जो होता है वो एसी में हाई करंट मापने के लिए लेते हैं, और पीटी एसी में हाई वोल्टेज मापने के काम में लेते हैं। यानी पीटी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देती है, सेकेंडरी साइड में कम कर देती है, जहाँ पर हम वोल्टमीटर लगाकर आसानी से उस वोल्टेज का मापन कर लेते हैं। इसलिए पीटी एक प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पीटी को किस ट्रांसफार्मर की तरह माना जा सकता है, तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर तीन नंबर ऑप्शन होगा कि स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है। तो प्रवर्धक वेन वोल्टेज के बारे में ही पूछा गया है, तो वो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को कम करता है, इसलिए स्टेप डाउन होगा ना कि स्टेप अप होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं, किसी भी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं। तो ये तो आपका एक प्रश्न था, आप अपने अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। इन्होंने दिया है कि 6 एम्पियर के 3 और 16 एम्पियर का एक सॉकेट तो कम से कम होना ही चाहिए। खैर ये अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर किस कारक को बदलने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दोबारा बता दें, ट्रांसफार्मर का काम केवल और केवल वोल्टेज के मान को परिवर्तित करना है, या तो स्टेप अप और या स्टेप डाउन। यानी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है जिससे धारा के मान में परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। बाकी पावर और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हमेशा हमेशा नियत रहती है, और पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का हमेशा भार पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है, जब वो वोल्टेज को परिवर्तित करता है तो धारा अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावा एसी चुंबक में बहुत ज़्यादा गुंजन हो सकता है, उसे पहचानें। यानी इसमें से ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण से हमिंग होती हो, तो एक कारण ऐसा है जो हमने जो है वो उपयुक्त कारण नहीं है, यानी उस कारण की वजह से आपका गुंजन हमिंग नॉइस नहीं होगा, बाकी सब के अलावा हो सकता है। तो देखिए अनुपयुक्त संरेखण, यानी अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगी तो चैटरिंग करेगा, चटचटाहट करेगा, ढीला इंसुलेशन होगा तो चैटरिंग करेगा, कॉन्टैक्ट संपर्कों के बीच में बाहरी तत्व यानी कचरा, डस्ट, धूल मिट्टी होगी तब भी वो डस्ट करेगा, हमिंग करेगा या चैटरिंग करेगा। लेकिन अगर उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर हमने कर रखी हो, उपयुक्त संरेखण मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी हमने उसके कॉन्टैक्ट सतह को साफ भी कर रखा है, पूरी वोल्टेज भी दे रखी है, सारे कनेक्शन हमने टाइट भी लगाए हैं, तो फिर ऐसे में आपका कुंडली चैटरिंग या हमिंग का नॉइस नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 पर 40 वोल्ट ड्रॉप करा रहे हैं, 30 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट ड्रॉप करा रहे हैं, और 90 ओम वाले R3 प्रतिरोध पर 180 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करा रहे हैं, और ये सारे सीरीज में लग रहे हैं। तो लगाया गया वोल्टेज कितना होगा सीरीज में, हम सब जानते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो सभी घटकों की वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है। तो सिंपल सा प्रश्न था, हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, जिन तीनों प्रतिरोधकों की वोल्टेज ड्रॉप दी गई थी उन सबको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें दी गई है 40 वोल्ट, फिर 60 वोल्ट यानी 100 वोल्ट हो गई, और तीसरे पर 180 ड्रॉप करा रहे हैं यानी 280 वोल्ट हो गई, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा जोड़ा जाता है, या तीनों चारों घटकों की वोल्टेज ड्रॉप का योग कुल आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। अगला प्रश्न था
कि तीन फेज 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड तीन फेज इंडक्शन मोटर का उपयुक्त फुल लोड करंट कितना है। फ्रेंड्स सवाल रिपीट हो गया। देखिए इससे पहले हमने आपको ये थोड़ी देर पहले ही बात बताई है कि एक एचपी की तीन फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पियर धारा लेती है। तो मोटर तीन एचपी की है, पूर्ण भार पर धारा कितनी हो जाएगी, उसकी 1.5 गुना यानी 4.5 एम्पियर करंट होगी। प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। एक ही पेपर में आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछ लिए, सेम उसी टॉपिक पर आधारित। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेटिंग तरल कौन सा है, यानी सबसे बेटर जो इंसुलेशन ऑयल होता है। तो हम ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का उपयोग करते हैं, खनिज तेल सबसे ज़्यादा लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। ट्रांसफार्मर में खनिज तेल ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समीकरण किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति को व्यक्त करता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो कोणीय आवृत्ति का सिंबल है इसको हम ओमेगा बोलते हैं और ये 2πf के बराबर होता है, यानी 2 × π × फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि XL बराबर सूत्र होता है 2πfL, और अगर ये ना लिखा हो तो हम इसकी जगह ω × L लिख सकते हैं, ऐसा हमने एक प्रश्न में आपको बताया भी था। तो ये जो ओमेगा होता है ये 2πf के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है। तो आपको बता दें कि इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है S × F, यानी कि प्रतिशत अंशीय स्लिप × सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान पर निर्भर करता है कि हमने स्टेटर को कितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी, और दूसरा वो स्लिप पर भी निर्भर करेगा कि मोटर में स्लिप कितनी हो रही है। तो दो घटकों पर निर्भर करता है, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन दिया है स्लिप की मात्रा, इसलिए हम स्लिप कर देंगे। दूसरा हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑप्शन भी इसमें हो सकता था पर वो हमें दिया नहीं गया, इसलिए इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा हो तब क्या होगा। तो ये प्रश्न इन्होंने आधा अधूरा बोला है। प्रश्न ये है कि एक थ्री फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और उसके हमने स्टेटर को तीन फेज की सप्लाई दे दी, जबकि रोटर को बाहरी प्रतिरोध के जरिए शॉर्ट नहीं किया। तो जब रोटर का सर्किट ओपन हो तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, सीधा सा ऑप्शन है, क्योंकि स्टेटर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, लेकिन रोटर चालकों का परिपथ बंद नहीं होने के कारण रोटर चालकों में कोई भी धारा नहीं चलेगी और वो अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसमें टॉर्क नहीं बनेगा, बल नहीं लगेगा और मोटर किसी भी सूरत में स्टार्ट नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिकल संपर्क हो तो वाइंडिंग का क्या कहलाएगा, या वाइंडिंग में हम इस दोष को किस नाम से जानते हैं। धातु केस का मतलब होता है कि बॉडी के साथ आपका वाइंडिंग संपर्क कर रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ऐसे परिपथ को हम लीकेज सर्किट या ग्राउंड या अर्थ दोष के नाम से जानते हैं, यानी मोटर ग्राउंड हो जाना, मोटर अर्थ हो जाना, या मोटर लीकेज होना हम कह सकते हैं, और ऐसे में मोटर हमें विद्युत झटका देती है। हम सब जानते हैं, ईजी प्रश्न था, बॉडी के साथ विद्युत का कनेक्शन है तो वो हमेशा ग्राउंड ही कहलाता है। अगला प्रश्न है कि 4 पोल और 50 हर्ट्ज का समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है। समकालिक यंत्र का मतलब है सिंक्रोनस मशीन के बारे में आपसे पूछा गया है। मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र होता है F × 120/P, यानी frequency × 120/pole। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज और पोल की मान जो हमें दिया गया है वो है 4, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि 4 पोल की मोटर जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो तो 1500 RPM पर घूर्णन करती है। ईजी प्रश्न था, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत बार हमने ये प्रश्न पहले से भी पढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत आयरन में रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज कितनी होगी। एक इलेक्ट्रिक आयरन की तापमान की रेंज पूछी है, तो प्रेस हमारी 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पर काम करती है, जबकि हीटर का टेम्परेचर 1050 से 1035 डिग्री के आसपास होता है। और अगला प्रश्न है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टर लगते हैं। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, एक होता है मेन कॉन्टैक्टर, एक होता है स्टार कॉन्टैक्टर और एक होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो 3 तो कॉन्टैक्टर होते हैं और एक उसमें लगता है टाइमर जो निर्धारित समय के बाद मोटर को अपने आप ही स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। तो इजी प्रश्न था, 3 कॉन्टैक्टर यानी ड्यूल स्टार्टर में जैसा एक लगता है वैसा ही ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, वैसे ही एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक स्टार कॉन्टैक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है और एक टाइमर भी होता है, पर कॉन्टैक्टर 3 ही होते हैं। अगला प्रश्न है
कि मध्यम प्रतिरोध के सीधे माप के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। मध्यम मान का प्रतिरोध है तो ओम मीटर से मापा जा सकता है, अगर उच्च मान का प्रतिरोध होता तो हम मेगर का उपयोग करते हैं। तो डायरेक्ट प्रतिरोध नापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं, और अगर उच्च मान का प्रतिरोध है तो हम उसके लिए मेगर का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि मेगर और ओम मीटर का उपयोग करते समय हमें जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है वो ये रखते हैं कि परिपथ में कोई भी सप्लाई ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेगर और ओम मीटर में स्वयं की सप्लाई होती है, और अगर सप्लाई होगी तो इनमें शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए मेगर और ओम मीटर का उपयोग करते समय जो सबसे पहली सावधानी रखनी है वो ये है कि परिपथ में सप्लाई ऑन नहीं होनी चाहिए। दूसरी सावधानी ये होती है कि उपयोग करने से पहले इनकी सुई को कभी शून्य पर नहीं लाना है, यानी सेट जीरो पर सेट नहीं करना है। हालांकि दोनों लीड को शॉर्ट करके आपको देखना जरूर है कि इनकी सुई जीरो पर आती है या नहीं, अगर सुई शून्य पर आ जाती है तो ये बिल्कुल सही है। और मेगर के बारे में एक सबसे बड़ी जो सावधानी वो है कि उपयोग करते समय मेगर की दोनों लीड को आपको कभी नहीं छूना है, क्योंकि मेगर में 500 वोल्ट की डीसी होती है, इसलिए विद्युत झटका भी लग सकता है।